अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है, टॉपिक है स्ट्रोक यानी कि फालिज। फालिज उस वक्त होता है जब आपके दिमाग के किसी भी हिस्से में खून की फरहमी में खलल पड़ जाए या कम हो जाए। दिमाग को ऑक्सीजन और गजाई अज्जा हासिल ना करने की सूरत में भी आप स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। अमरीका में हर साल 95,000 से ज़्यादा अफराद को फालिज का दौरा पड़ता है और पाकिस्तान में देखा जाए अगर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से तो 40% लोग फालिज की बीमारी में मुब्तला होते हैं और फालिज के वाकयात और फैलाव से मुतालिक कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमें क्वेटा से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर सलीम खान बड़ीच, जो कि FCPS न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल क्वेटा में भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के भी मेंबर हैं और साथ ही साथ एक्स डीन हैं PGMI क्वेटा के। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से फालिज को रोक भी सकते हैं और इसके बारे में एहतियाती तदबीर भी कर सकते हैं। जी जनाब, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर सलीम खान बड़ेच को और डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू माई शो। डॉक्टर साहब, आज हम आदम जी फार्मा सर्विसेज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रोक को। आपसे पहला ही सवाल मैं पूछूंगी कि बेसिकली स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक जैसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, स्ट्रोक इसको हमारे उर्दू में कहते हैं फालिज, जो कॉमन लफ्ज फालिज। फालिज जिसमें बेसिकली जो ब्रेन में जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेंस, उसमें कोई सर्कुलेशन में उसकी ब्लड सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस हो जिसकी वजह से हाथ या पांव काम पर छोड़ दे, उससे हम आम अल्फाज में फालिज कहते हैं। और इसको हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में जो हार्ट की कोई शरियान ब्लॉक हो जाती है, इसी तरह ब्रेन में अगर कोई शरियान की ब्लॉक हो उसको हम ब्रेन अटैक से भी कह सकते हैं। या फिर जो आर्टरी है वैसे वो फट जाए उसको हम ब्रेन अटैक या स्ट्रोक के फालिज कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब हम स्ट्रोक की या फालिज की बात करते हैं तो क्या इसकी कुछ इकसाम भी हैं? मैं चाहूंगी कि आप हमारी आदम जी के जितनी भी लिसनर्स हैं, व्यूज हैं, उनको आम फहम अंदाज में ये भी जरा डिस्क्राइब कीजिएगा कि स्ट्रोक की इकसाम क्या क्या हैं। अच्छा, स्ट्रोक एक तो ये ना कि जिसे हम ट्रांजिट इस्केमिक अटैक कहते हैं, उसमें मरीज बताता है कि अटैक हुआ और विद इन आवर्स वो ठीक हो जाता है, इसको ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, सही, माइनर अटैक भी कहते हैं। एक अटैक वो होते हैं जिसमें कंप्लीट, जैसे पेशेंट आए कंप्लीट स्ट्रोक, उसमें पूरी एक साइड कंप्लीट पैरालाइज है और रिकवर नहीं कर पाता, वो कंप्लीट स्ट्रोक। बिल्कुल। अच्छा, ये तो ये स्ट्रोक इसको कहते हैं जिसमें ब्लॉक हो, मतलब हम अगर मेजर जो एग्जाम कहते हैं उसमें इसमें ब्लॉकेज हो और उसी जो ब्लॉकेज में एक ये TIE अटैक कहते हैं, एक कंप्लीटेड स्ट्रोक। सेकेंड जो एक ग्रुप है जो मेजर ग्रुप, उसमें ब्लॉक में भी जैसे मैं पहले बताया कि बस्ट आर्टरी अगर बस्ट हो जाए तो उसको ब्रेन हेमरेज करते हैं, तो वो एक स्ट्रोक टाइप है, उसमें हेमरेज हो जाता है और ब्लॉक नहीं होता। तो मेजर ये दो मेन कैटेगरीज हैं स्ट्रोक के पास। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो कुछ खास सिम्टम्स भी ऑफ कोर्स होते होंगे डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे लोग इस बात की आगाही ले सकते हैं कि खुदा ना खासा फ्यूचर में जाके उनको स्ट्रोक हो सकता है? तो कोई ऐसे सिम्टम्स जो आप हमें बताना चाहें प्रोग्राम में? हाँ, इसमें जो हम स्ट्रोक वर्ल्ड स्ट्रोक डे में या जब भी हम कैंपेन करते हैं स्ट्रोक पे फालिज आलमी योम फालिज, तो इसमें एक पिछले कुछ अच्छे से एक फास्ट FAST फास्ट, उसमें फेस में देखते हैं सिम्टम जो अलामत थोड़ी सी चेहरे एक साइड पे कुछ एसिडिटी आ जाती है बोलने में, फिर ऐसे आम में या लेग में हाथ पाँव में थोड़ी वीकनेस आ जाती है, फिर स्पीच बोलने में थोड़ी मुश्किल आ जाती है। फिर जो टीक जो लफ्ज है फास्ट में लास्ट है वो टाइम है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बात करते हैं फालिज की स्ट्रोक की बात करते हैं तो कंपेयर में कहते हैं कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रोक, क्योंकि टाइम पे अगर पेशेंट आ जाता है तो उसकी चीज बड़ी अच्छी हो जाती है और टाइम पे नहीं पहुंचता लेट, जैसे कि हमारे रिमोट एरियाज में कंसेप्ट है कि पेशेंट बंद रखते हैं तो उसमें फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, वो कंप्लीट वहाँ पर जो डैमेज कर रहा हो तो वो कर लेता है।
तो सिम्टम में यही है, दोबारा रिपीट करता हूँ, जो अलामत हैं हाथ या पाँव कमज़ोर होना, बोलने जी मुश्किल होना, चेहरे में थोड़े से फर्क आ जाना, जलने मुश्किल जी होना, कभी कभी आँख सामने अंधेरा आ जाना, चक्कर आ जाना, और कभी झटके पड़ सकते हैं, कभी पेशेंट बेहोश भी हो जाता है अगर हेमरेज हो, अगर मेजर स्ट्रोक हो, तो ये मेन जी अलामत। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रूर हमें बताइएगा, हमारी आवाम भी इस बात को समझना चाहेगी कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रोक में किस तरीके से काम करता है, क्या स्ट्रेस जो है वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से लोगों को अमूमी तौर पर फालिज हो जाता है या फालिज का अटैक जिसे हम कहते हैं कि हो जाता है। स्ट्रेस एक तो वाइस वर्सा, अगर स्ट्रेस हो उसकी वजह से अगर उनके डेली लाइफ स्टाइल पर फर्क पड़ रहा है, बीपी ज़्यादा हो रहा है, तो वो इनडायरेक्टली उसको कास्ट कर लेता है। लेकिन स्ट्रोक इटसेल्फ, अगर स्ट्रोक किसी को हो जाता है तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस और डिप्रेशन कर लेता है, तो वो स्पेशली पोस्ट स्ट्रोक, हम जिससे कहते हैं पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन। तो कई मरीज आते हैं जो कि हम स्ट्रोक तो ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस और हम जो डिप्रेशन है अगर उसको ट्रीट ना करें तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो स्ट्रेस है और टेंशन है, डिप्रेशन है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है स्ट्रोक के साथ। तो जब भी इसको ट्रीटमेंट करते हैं तो इसी हम देखते हैं कि पेशेंट मेंटल स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से ये भी इलाज हम करते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं स्ट्रोक की या फालिज की, तो अमूमी तौर पर लोगों के जहनों में अभी भी शायद ये मिथ है कि इसका शायद कोई एज सच इलाज नहीं है, या शायद इसका इलाज बहुत लॉन्ग टर्म में है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप बहुत बेहतर अंदाज में हमें गाइड कर सकते हैं कि बेसिकली स्ट्रोक का इलाज है क्या। स्ट्रोक का इलाज एक तो जिसमें एक्यूट, सब एक्यूट, जिसमें बाकी के फौरन मरीज अगर आ जाता है तो वो एक इलाज के आगे अलग हिस्सा होता है। एक लेट, अगर पेशेंट अगर लेट आ जाता है तो वो अलग इलाज है। तो जो एक्यूट आता है, जैसे कि आजकल तो ये ना पूरे वर्ल्ड में 3 से 4 घंटे या 4.5 4 घंटा 4.5 घंटे के अंदर ये विंडो पीरियड है मैक्सिमम। इस टाइम पर अगर आ जाता है मरीज तो फॉरम स्कैन कराते हैं, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी है और हमारे यहाँ पर भी कई सेंटर्स में अभी इशू हुआ है कि फॉरन इस पीरियड में आ जाते हैं तो हम स्कैन करके हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लॉकेज है, कन्फर्म कर लेते हैं कि इससे स्ट्रोक स्कीमिया है, तो उसकी हम इंजेक्शन है जो कि तो वो जो थ्रोम्बस वहाँ पर पड़ा हुआ है ब्लॉक है उसको तोड़ता है, जस्ट लाइक हार्ट अटैक। जैसे कि आते पेशेंट हार्ट अटैक फॉरम इन्फ्यूजन इंजेक्शन लगाते हैं क्लॉट को हटाने के लिए, सेम इसी तरफ ड्रेन भी किया जा सकता है, लेकिन ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी बड़ी लिमिटेड पीरियड है। इसके बाद अगर वो टाइम पे उसके बाद अगर आ जाता है तो वो जो कि हम विद इन 4.5 आवर पर लगाते हैं उसमें हम नहीं लगा सकते, वो एक फिर उसमें उसकी चूंकि इंडिकेशन है बड़ा विंडो पीरियड, नेरो विंडो पीरियड है। और लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट होती है इसके बाद पेशेंट के, तो आपने उसके रिस्क फैक्टर देखने होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर वो अपने कंट्रोल करने हैं स्ट्रोक के, और उसमें बाकी क्या अलामत हैं पेशेंट में, क्योंकि लेट कंडीशन पेशेंट में जिस साइड पे स्ट्रोक हुआ है, जो साइड वीक है उस पर अकड़ाव आ जाता है, चलने मुश्किल हो जाती है, तो वो मेडिकेशन देते हैं जिससे उनकी प्रॉपर कम हो, और जो रिस्क फैक्टर वो हमने कंट्रोल करना है, रिहैब करना है, तो वो एक अलग हिस्सा होता है। दो में मेजर हम डिवाइड कर लेते हैं इसके इलाज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं मेडिकेशंस की स्ट्रोक से रिलेटेड, तो क्या जिस्मानी या पेशेवराना थेरेपी जो है वो इसमें मददगार साबित होती है? हाँ, बहुत जरूरी, क्योंकि लेट स्टेज में एक्यूट हम ट्रीटमेंट हमने कर ली तो जो उसकी बात का जो हिस्सा होता है वो हम डिपेंड करते हैं मेडिकेशन प्लस उसकी रिहैब, जिसे हम कहते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो जैसे हम मेडिकेशन दे रहे हैं वो उनको कंट्रोल करने के लिए और उनके अपने ट्रीटमेंट, लेकिन नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सारी चीज़ें जिस्मानी, जैसे आपने बात की थी रिहैबिलिटेशन, तो उसमें लैंग्वेज की स्पीच थेरापी है, और तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर ये सब इस पर अगर हम एड्रेस नहीं करते हैं तो पेशेंट तो ट्रीट कर रहे होते हैं लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि जिस्मानी तौर पर भी हमें उसको थोड़ा अलर्ट रखना होता है, फिजियोथेरापी एक्सरसाइजेस, तो भी ये साथ हम एडवाइस करते हैं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही आसान अंदाज में हमारे सवालात के जवाब दिए। यहाँ डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं जानना चाहूंगी कि आप हमें जरूर बताएं कि स्ट्रोक से बचने के लिए जो हमारे डे टू डे बेसिस में, जिसे हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसमें हमें ऐसी कौन सी तब्दीलियां करनी चाहिए कि जिसकी वजह से या जिसके बायस हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर फ्यूचर में खुदा ना खास्ता स्ट्रोक के चांसेस हों तो। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से, स्ट्रोक के हवाले से, क्योंकि जी से हमारे कंट्री में स्ट्रोक को स्पेशली अगर हमारे आप देखें जो रिमोट एरियाज हैं पाकिस्तान के, इसमें 70% लोग अब तक प्रॉपर आगाही नहीं है फालिज को, तो अभी भी वहाँ पर प्रॉपर को ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। इवन हमारे बड़े सिटीज में भी, तो एक तो ये कि आगाही बड़ी जरूरत, जैसे आपने प्रोग्राम किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और पेपर मीडिया के थ्रू, कई सोर्सेज हैं आजकल, इजी है सोशल मीडिया, तो हमने इनको आगाही देनी होती है, हम हेल्थ प्रोफेशनल्स भी, आप लोग भी, कि फालिज को रोका जा सकता है। अब क्योंकि जो बड़े जो फैक्टर्स हैं जिससे हार्ट अटैक भी होता है, उसी वजह से ब्रेन अटैक के फालिज होता है, जैसे स्मोकिंग है, हम बता दें कि आपने भाई स्मोकिंग नहीं करनी है, गुटखा है, पान है, इसके अलावा ओबेसिटी है, आपने वजन कंट्रोल रखना है, डेली एक्सरसाइज है, एटलीस्ट डेली आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप एक्सरसाइज कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लड प्रेशर है हमारे, इसमें ब्लड प्रेशर शुगर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कई पेशेंट को जैसे अभी भी मेरे थोड़े पहले राउंड में क्या है, तो अभी थोड़े पहले उनको अटैक को फालिश का, तो बीपी बहुत हाई था, तो कह रही कि पहली दफ़ा उनको अटैक हुआ है, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई था, इट मीन्स की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती हमारे यहाँ ना, लोग ब्लड प्रेशर चेक नहीं करता, अटैक होने के लिए आते ब्लड प्रेशर 200 और 120, तो ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग लोग पता हो कि आपने जाए करें, बीपी चेक कब क्या करें, अगर आप एक बार डायग्नोज हो तो लाइफ लॉन्ग, कई लोग ब्लड प्रेशर की जो टैबलेट होती है वो प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, कहते हैं कि हमें उसमें जब हेड एक सर दर्द हो तो ले लेते हैं, वैसे नहीं लेते हैं, तो जब एक दफ़ा ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो कि आपको हाइपरटेंशन है, तो चाहिए और लाइफ और आपकी जो लाइफ स्टाइल वो बड़ी जरूरी है, उसके साथ आपने अपनी डाइट बड़ी एहतियात रखनी चाहिए कि उसी डाइट ना लें जिससे आप ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। सेम शुगर के लिए भी आपने शुगर को भी कंट्रोल रखना है, अगर डायबिटीज एक दफ़ा डायग्नोज हो तो आपने शुगर को भी हमेशा कंट्रोल रखना है, और साथ आपने अपनी जो डाइट मॉडिफिकेशन होगी आप, तो ये आगाही बड़ी ज़रूरी है ताकि हम लोगों को बता दें इससे हम बच सकते हैं, इसकी जो चूँकि हमारे स्टोर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, मोर्टिलिटी भी बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा, क्योंकि तकरीबन हर 40% हमारे स्टोर के वो मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा फिगर है। सही। तो अगर हम तकरीबन पर डे हमने डेटा लिया तो कोई 400 से 600 कई डेली डेथ्स हो रही हैं फॉरेस्ट में हमारे पाकिस्तान में, तो इसको हम आगाही के जरिए हम उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को, आवाम को इन बातों से यकीनन फायदा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जजाक अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपको भी, आपने मौका दिया और बड़ा अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फी अमान अल्लाह। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुताबिक आप तमाम लोगों को आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे YouTube के चैनल पर भी हमें अपने सजेशंस दे सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे Facebook के आदम जी फार्मा सर्विसेज के पेज पर भी अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, किसी और नए प्रोग्राम के साथ फिर शामिल होंगे। अल्लाह हाफिज़।